नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और देखिए दोस्तों, ये है 376वें दिन की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप डी जी दोस्तों डी से जुड़े हुए डेली यूज वर्ड्स सीखना चाहते हैं कि डेली यानी प्रतिदिन जो है आप कौन कौन से वर्ड रेगुलर बोलते रहते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 3000 वर्ड्स मीनिंग का जो है शुरुआत चुकी पहले ही हो चुका है और ये लगातार चल रहा है। तो दोस्तों 3000 वर्ड्स चूँकि आप एक बार में देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं लाता हूँ ताकि आप अच्छे से उसे पचा भी पाएँ यानी कि सीख भी पाएँ। अगर एक बार 3000 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। इसलिए थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ हिंदी टू इंग्लिश। तब आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आसानी से पढ़ना बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे सीरीज जिसका नाम है ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ डे वन के साथ जुड़िए, और सेम इंग्लिश टाइप कीजिएगा यूट्यूब के सर्च में तो सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे, या आप इसे माइक पे भी बोल के सारे वीडियो के लिंक पा सकते हैं। तो डे वन से देखिएगा पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड मीनिंग को आप अच्छे तरह से जान जाएंगे। जो डाउट्स आपके मन में रहता है, जो डर है, वो डर भी पहले वीडियो में समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन कम्युनिकेशन, या दूसरे बात में बात की जाए कि जब आप बोलते हैं इंग्लिश, जैसे क्या मान लीजिए आप मूवी, आजकल दोस्तों मूवी देखते हैं हम लोग, सिनेमा देखते हैं, तो मूवी में क्या होता है कि जो हालांकि एक दो लाइन तो इंग्लिश में बोलते ही हैं लोग, लेकिन अक्सर जो है एक छोटे छोटे वर्ड्स बोल दिए जाते हैं, क्योंकि वो डायलॉग में रहते हैं। और जो जो अभिनेता है, एक्टर एक्ट्रेस है, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो है वर्ड मीनिंग जो है बोलते हैं अपने हिंदी वाले जो डायलॉग है तो उसमें मिलाकर, तो क्या होता है कि लगता है कि अरे अच्छा बोलता है, लोग समझते भी हैं। तो वैसे ही बोलना है आपको छोटे छोटे वर्ड्स को। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विद दिस स्टेप, और देखिए 7-5 स्लाइड है जिसमें 2-2 कॉलम है। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है बेसिक, अगर बेसिक से आप सीख रहे हैं यानी बिगिनर हैं तो जाहिर सी बात है आपको वर्ड मीनिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेट में मैंने शुरू में ही बात कर लिया था, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेट सारा सेंटेंस फॉर्मेट हो गया, अब सिर्फ वर्ड मीनिंग की बात की जाएगी, और थोड़ा सा और बचा हुआ जो कि एडवांस लेवल का है वो भी धीरे धीरे कम्प्लीट किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये है डेटा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, डाटा लोग तो बोलते हैं डाटा, क्योंकि डी ए टी ए है तो लोग समझते हैं कि भाई डाटा ही लिखा हुआ, लेकिन नहीं, ये लिखा हुआ है दोस्तों डेटा, ठीक है। इसे डेटा पढ़ेंगे शुद्ध, अब किसी से नहीं तो आप किसी से पूछे क्या लिखा हुआ है तो लोग बोलेंगे, आपको ही खुद समझिए ये डाटा दिख रहा है, लेकिन डाटा नहीं है, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो है ये डेटा होगा, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है, जबकि दूसरा ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, ठीक है, यानी कि मात्रा के रूप में हो रहा है। तो इसलिए ये देखिए डे, पहला डे ए का उच्चारण ए कार के, दूसरा ए का उच्चारण आ के रूप में, डेटा। तो ऐसे अगर जानना चाहते हैं कि इस तरह के वर्ड को थोड़ा कैसे पढ़ा जाता है तो हमारे पिछले वीडियो, कम से कम 1 से 1.5 महीने के पहले के वीडियो को देखिए, हर एक वर्ड में मैंने बात किया है कैसे पढ़ना है। तो जो पढ़ने वाले जो जिनको समस्या कि पढ़ने नहीं आ रहा तो उनको दूर हो जाएगा। खैर अब यहाँ वर्ड्स मीनिंग देखेंगे तेजी में कि हिंदी जो कि आप रोज़ बोलते हैं उसका इंग्लिश क्या होगा। जैसे डेटा को डेटा ही लोग बोलना पसंद करते हैं, या निर्दिष्ट। अब निर्दिष्ट तो बहुत ही डिफिकल्ट शब्द है, लेकिन फिर भी आप जाने कि डेटा को इंग्लिश में निर्दिष्ट ही बोलते हैं या डेटा ही यूज़ होता है एज ए हिंदी, मतलब हिंदी की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा को। अब देखिए लोग डाटा ही बोलते हैं, अब बोलते हैं तो बोलने दीजिए, अच्छा बात है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जो भी कोई भी शब्द जब क्या होता है कि आता है और आते आते आ जाता है सभी लोग को, तो एक शब्द बन जाता है अपने आप में। जैसे जैसे मोबाइल, ठीक है, मोबाइल वर्ड से कुछ देख रहे हैं कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल वर्ड क्या कभी पहले, कभी 1995 या 1990 के पहले शायद ही लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे क्योंकि आविष्कार ही नहीं था, फिर हाथों हाथ मोबाइल आए थे, एक नए मोबाइल वर्ड आ गया। उसी तरह कंप्यूटर जब नहीं था, जब कंप्यूटर आया तो लोग जाने लगे कंप्यूटर, तो एक वर्ड है वो ऑटोमेटिक वो हिंदी ही हो गया, इंग्लिश नहीं हिंदी ही हो गया। चलिए दोस्तों आप देखिए डाटा, उसके बाद देखिए डैमेज को क्या बोलते हैं, नुकसान, ठीक है, नुकसान, डैमेज, डैमेज। देखिए यहाँ भी ए का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, डैमेज, ठीक है। उसके बाद देखिए हिम्मत या साहस करना, डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत या साहस करना।
डेंजर मीन्स खतरा। नेक्स्ट है दोस्तों डेट, डेट मीन्स होता है तारीख, दिनांक, दिवस भी बोलेंगे, ठीक है, दिवस भी बोलते हैं और दिन भी बोलते हैं, दिवस, तो ठीक है, डेट मीन्स दिवस। अब देखिए खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक मीन्स डेंजरस। तो सेंस कभी कभी क्या होता है, कोई वर्ड मीनिंग का सेंस को पकड़ कर ही काम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो तारीख है, तिथि है, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं डेट का, तारीख, तिथि, ठीक, खजूर भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाला अलग बात है, यहाँ पर मैंने अब खजूर भी बोल सकते हैं डेट। तो ये है तिथि, तारीख, देखिए डेंजरस, खतरनाक। अब उसका नेक्स्ट है दोस्तों डियर, डियर मीन्स आप तो जानते हैं प्रिय होता है, ये आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डियर मीन्स महंगा भी होता है, डियर मीन्स महंगा भी होता है दोस्तों जी। अब डाउट, डाउटर मीन्स बेटी या पुत्री। उसके बाद देखिए डीलर, डीलर मीन्स विक्रेता होता है, व्यवसायी बोल सकते हैं, व्यापारी बोल सकते हैं। डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, इजली है दोस्तों, लेकिन क्या तम जानते हैं, तम ये बंगाली में ये लगता जाता है, यूज़ किया जाता है तम, चलिए तम है, तम मीन्स अंधेरा होता है, एक तरह पर्यायवाची शब्द है ये। देखिए डील मीन्स होता है सौदा, व्यवहार, ठीक है, ये नया वर्ड है, डील मीन्स व्यवहार, सौदा तो होता ही है। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधकार। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए डे, डे मीन्स भी तिथि होता है, दिन भी होता है, और दिवस, इसके लिए दिवस तो फिक्स ही कर लीजिए, दिवस दम डायरेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों डिबेट मीन्स बहस करना, क्या करना, बहस करना, झगड़ा करना। चलिए नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर अब तो मैं कमेंट देख ही रहा हूँ, रेगुलर देखता हूँ, बिना कमेंट देखे हुए कुछ बात नहीं होता, और जिनका कमेंट अच्छा लगता है उसको मैं जो है एक हार्ट जो है वो मैं करता हूँ, ताकि लोग समझे, और इसका मतलब है कि आप आगे बढ़िए, इसका यही मतलब है कि आप आगे बढ़िए। सबका जवाब दे पाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और समय भी की भी कमी रहती है। तो दोस्तों देखिए हिंदी इंग्लिश में बेसिक देखिए बहुत लोग जो है अभी भी वर्ड्स मीनिंग सब कुछ नहीं जानते। जैसे देखिए अब डियर मीन्स क्या आ जाता है, डियर मीन्स होता है दोस्तों हिरन, ये तो जानते हैं, लेकिन क्या उसे कुरंग भी बोलते हैं, आप जानते हैं, क्या उसे मृग बोला जाता है, तो ये आप भी जानते हैं मृग, हिरन, लेकिन कुरंग नहीं जानते होंगे, ठीक है, मतलब वही है ना, अलग बोला जाता है। अब देखिए डेप, डेप मीन्स होता है उधार, ऋण। अब देखिए डिकेट, डिकेट मीन्स दशक। डिफिट, डिफिट मीन्स पराजय, हार, दोनों याद रखिए। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, ये वर्ब है, विवर्ण है। डिफेंड मीन्स बचाव, बचाना, रक्षा करना, बचाव। उसके बाद देखिए फैसला या विचार, डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला करना, विचार, ठीक है, विचार करना, या फैसला विचार भी हो सकता है। अब देखिए डिफेंडेंट, चलिए उसके बाद दोस्तों देखिए डिफेंड मीन्स प्रतिवादी या अभियुक्त, प्रतिवादी या अभियुक्त। मुद्दाले भी बोलते हैं, मुद्दाले। अब जाइएगा जब, तो मुंशी लोग अगर कोर्ट कचहरी में जो गए हैं तो मुद्दाले बोलते हैं, अब ये तो वर्ड है। देखिए दोस्तों डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कमी, न्यूनता, न्यूनता, ठीक है, निकम करना। डिफेंस मीन्स रक्षा, बचाव। उसको देखिए डीप, डीप मीन्स गहरा। डिफेंसिव, डिफेंसिव मीन्स हिफाजत, रक्षा। उसके बाद देखिए डीपली, डीपली मीन्स होता है बहुत गहरा। डिफिसिट, घाटा, कमी, डिफिसिट मीन्स घाटा, कमी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, और ये देखिए हिंदी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं दोस्तों, तो छोड़ना नहीं है, सारा वर्ड्स मीनिंग को देखते चलिए डे बाय डे, और अल्फाबेटिकल चल मतलब एक्चुअली डिक्शनरी के अनुसार ही चलेगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो वैसा ही वर्ड्स। तो वर्णन करना, डिफाइन, ठीक है, डिमांड मीन्स क्या होता है, मांग होता है, अनुरोध होता है। नेक्स्ट है तो डेफिनेटली निश्चित रूप से, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों होता है। डेफिनेशन यानी परिभाषा, ठहराव। इसको देखिए डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मीन्स प्रजातंत्रवादी। नेक्स्ट है तो डिग्री, सॉरी डिग्री, डिग्री मीन्स मात्रा, पीढ़ी, तो मात्रा तो लोग जानते हैं, डिग्री का डिग्री भी बोलते हैं, ये ज़्यादा लोग बोलना पसंद करते हैं डिग्री को, डिग्री, डिग्री भी होता है,
वो डिक्री होता है जब कोर्ट कचहरी का जब फैसला होता है तो उसे डिक्री बोलते हैं, तो यहाँ पर सी रहता तो डिक्री होता, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ डिग्री डिग्री मीन्स मात्रा। एक बात याद रखिए नया दोस्तों, एक पीढ़ी को याद रखिए पीढ़ी। अब देखिए डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्रीय, लोकतंत्रीय मीन्स डेमोक्रेटिक। उसके बाद देखिए डिले विलंब देरी, डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन करना। अब देखिए डिलीवर, डिलीवर मीन्स देना, कोई चीज़ आपको जब मिलता है डिलीवरी आती ही होगी, तो दोस्तों वो देना, डिलीवर मीन्स देना, ये वर्ब है, वी वन है यानी कि प्रेजेंट में, प्रदान करना, हवाले करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन, प्रदर्शन प्रमाण, उसके बाद यानी प्रदर्शन, ठीक है। अब डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स वितरण, या प्रसव भी, प्रसव को भी डिलीवरी बोलते हैं, तो ये मेडिकल वर्ड्स हो गया डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवर, डिलीवरी, प्रसव। अब देखिए नकारना, मुकरना या अस्वीकार करना, तो ये होगा डिनाई, डिनाई वर्ड्स के लिए। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी इंग्लिश से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे ये सारे वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट करिए, और जो नहीं है उसे देखते हुए जिनको बोलने नहीं आता वो तो इंग्लिश यहाँ भी बोलना सीख सकते हैं। छोटे छोटे मान लीजिए कि नहीं उन्होंने कभी पढ़ा इंग्लिश तो कैसे पढ़ेंगे अपने आप से, तो जो मैं बोलता हूँ उसे भी पढ़ने से आपको बार क्या होगा, धीरे धीरे सुनते सुनते एक याद आ जाएगा कि इस तरह से पढ़ना है। तो देखिए डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट विभाग ज़्यादा बोलते हैं, शाखा ही बोला जाता है, अलग शाखा ब्रांच बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं शाखा भी इस्तेमाल किया जाता है डिपार्टमेंट के लिए। उप मीन्स डिप्टी, डिप्टी, डिप्टी जो बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इस तरह से होता है, तो ये उप है और सहायक भी बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट है तो डिपेंड मीन्स अधीन होना। अब देखिए डिराइव पाना, नतीजा होना। नेक्स्ट है डिपेंडिंग मीन्स लटकना या अधीन होना, इसे भी बोलेंगे। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। उसके बाद दोस्तों देखिए डिपिक्ट, डिपिक्ट मीन्स होता है चित्रित या शब्दों के थ्रू वर्णन करें, शब्दों के द्वारा वर्णन जब करते हैं, शब्दों के द्वारा जब वर्णन करते हैं तो डिपिक्ट बोलते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है विवरण, वर्णन। नेक्स्ट है दोस्तों डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि अवसाद, खिन्नता, ठीक है, मायूसी। अब देखिए डिजर्व, डिजर्व मीन्स लायक होना। नेक्स्ट है डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान या निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता हो, उसे डिजर्ट बोलते हैं। हालांकि बालू वाला एरिया जो बहुत बड़ा एरिया होता है उसे डिजर्ट बोलते हैं। तो डिजाइन मीन्स डिजाइन ही होता है, और या से रचना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई, गंभीरता, और डिजाइनर का मतलब होता है रचनाकार। तो दोस्तों ये देखिए हिंदी इंग्लिश के तहत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चल रहा है, तो इसे मिस ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अब डिजायर मीन्स क्या होता है, तो इच्छा होता है, आकांक्षा भी होता है। डिजायर मीन्स इच्छा और आकांक्षा दोनों होता है। डिटेल्ड मीन्स होता है सविस्तार या विस्तृत भी होता है, ठीक है, तो विस्तृत, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत। अब जो भी आपको याद रखना है रख सकते हैं, विस्तृत और सविस्तार। नेक्स्ट है तो मैं डेस्क को डेस्क बोलते हैं, मेजी बोलते हैं, और डिटेक्ट को पता लगाना यानी खोजना, कुछ गड़बड़ी है तो डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है तो डिस्पेरेट, ये वर्ड जो है दोस्तों आजकल मूवीज में बहुत ही पॉपुलर हो गया, डिस्पेरेट, ठीक है, खासकर आप वेब सीरीज वगैरह देखेंगे तो डिस्पेरेट मतलब बोलते बोलते हिंदी में ही यूज किया था, डिस्पेरेट बेकरार है, ठीक है, बेकरार, निराशा। अब देखिए निर्धारित को डिटरमाइन बोलेंगे, डिटरमाइन, निर्धारित को डिटरमाइन। तो हिंदी से जिनको हिंदी सीखना है, इंग्लिश आती है, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही यूजफुल हो जाएगा दोस्तों। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद होता है, अनादर से होता है, विरोध से भी होता है, ठीक है, विरोध से भी, याद रखिएगा, विरोध, विरोध से, विरोध से का मतलब होता है डिस्पाइट। अब देखिए डेवलप, डेवलप मीन्स विकसित करना, क्या करना, विकसित करना। उसके बाद देखिए नष्ट मीन्स डिस्ट्रॉय, और डेवलपिंग मीन्स होता है विकसित होना, यहाँ विकसित करना भी वन है, और यहाँ डेवलपिंग विकसित होना। देखिए तबाही या विनाश हो जाए बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। अब देखिए उत्थान, उन्नति को डेवलपमेंट बोलते हैं, या इसे डेवलपमेंट को विकास ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो विकास, तो विकास मैं यहाँ लिखता हूँ, आप समझिए विकास, विकास मीन डेवलपमेंट। देखिए नेक्स्ट है विवरण, डिटेल मीन्स क्या होता है, तो विवरण, विवरण मीन डिटेल्ड,
डिवाइस, डिवाइस मीन्स यंत्र बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं, साधन बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर एक लिंक है जिससे हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाद में घंटी जरूर दबाइएगा। और यहाँ वाले वीडियो को अगर आप टच करते हैं तो हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट का जो है दोस्तों यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। कैसे कुछ आपको सुझाव जरूर लिखें दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।